जावरा दिन प्रतिदिन नगर में टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है। आज 43 डिग्री तापमान में लोग गर्मी से बेहाल हो रहे हैं और विशेषकर बसों में सफर करने वालों की हालत तो और भी ज्यादा खराब। यह सब देखते हुए आमजन को राहत देने के लिए श्री श्वेतांबर जैन वरिष्ठ सेवा समिति ने एक अभिनव कार्यक्रम आयोजित किया। बस स्टैंड पर सेवा समिति की टीम ने अपने हाथों में हाथ के पंखे लेकर विभिन्न बसों में यात्रा कर रहे उन यात्रियों को दे रहे थे एवं उनके साथ ही परिसर में जो भी यात्रीगण बैठे थे एवं जिन्हें आवश्यकता थी और जो आ जा रहे थे उन्हें आज 500 से अधिक पंखों का वितरण अनमोल एजेंसी के अनमोल सुराणा की ओर से हाथ के 500 पंखों का वितरण किया गया और भविष्य में भी हम इन पंखों का वितरण करेंगे। यह विचार श्री श्वेतांबर जैन वरिष्ठ सेवा समिति के अध्यक्ष अभय सुराणा एवं नवाचार प्रकल्प के संयोजक सुरेश मेहता ने कही। आज इस कार्यक्रम में सेवा देने वालों में प्रमुख रूप से सुरेंद्र पोखरना, आनंदी लाल संघवी, पुखराज पटवा, अभय सुराणा, सुरेश मेहता, मदन सिंह चोरड़िया, अनिल चोपड़ा, नेमी चंद जैन, राजकुमार हरण, शिखर जैन आदि की सक्रिय भूमिका रही। इस सेवा गतिविधि आंचलिक पत्रकार संघ के पत्रकार नाहरू खान एवं कीर्ति वर्रा भी की भूमिका सराहनीय रही। आभार संस्था के सचिव पुखराज पटवा ने माना। उक्त जानकारी प्रसंग प्रभारी मदन सिंह चोरड़िया ने दी। नाम है आपका? मैं पुखराज पटवा। आज आपके द्वारा कुछ पंखे वितरण किए गए तेज गर्मी को लेकर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बस में वगैरह में जहाँ बस स्टैंड पर बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, हवा के कोई साधन नहीं है, गर्मी रिकॉर्ड तो पड़ रही है, इसको ध्यान में रखते हुए ये पंखे वरिष्ठ संघ द्वारा वितरित किए गए हैं और देखा है हमने लोगों को ये पंखे लेने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा है और वह गर्मी से जो है निजात पाने की कोशिश कर रहे हैं। कितने पंखे वितरण किए आपको? आज हमने 501 पंखे वितरण किए। और क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? मैं संदेश देना चाहूँगा आम जनता को, जो परेशानियाँ हो रही है वो दूर हो और उनकी सुखद यात्रा की कामना करता हूँ। क्या नाम है आपका? सुरेश मेहता। आज आपके द्वारा कुछ पंखे वितरण किए गए, क्या कुछ? हाँ, वरिष्ठ संघ द्वारा ऐसा कार्यक्रम 2019 में भी किया था। अब पुनः 45 डिग्री का तापमान पहुँच चुका है। बसेस में कैसे यात्री करते हैं, यात्रा करते हैं, हम सबको मालूम है। उनको राहत देने के लिए हमारी प्राचीन पद्धति, हमारे हाथ का पंखा, उसका वितरण बड़े पैमाने पर बस में जाकर, बस में चढ़कर और यात्रियों को दिया गया है और यात्रियों ने काफ़ी राहत और अच्छा महसूस किया। हमें भी खुशी है कि इस गर्मी में राहत के लिए वरिष्ठ संघ ने कुछ प्रयास कम करने का, उनकी गर्मी से राहत मिले ऐसा प्रयास किया है। लगभग कितने पंखे वितरण किए आपके द्वारा? लगभग 500 के आसपास पंखे वितरित हो चुके हैं।